सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो मैं दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दीपक V03। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैं दिल्ली मेट्रो के बारे में कि दिल्ली मेट्रो में कितने रुपए का टोकन होता है, कैसे इसमें बैठते हैं, कैसी अंदर से होती है एंड कैसे पूरा हम सफ़र कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है मेट्रो पे ऊपर की ओर चढ़ना है। ऊपर की ओर चढ़ने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक ऐसा दिखाई देगा बोर्ड प्लेटफॉर्म की ओर, तो आपको प्लेटफॉर्म की ओर जाना है। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म की ओर जाते हो तो आपको जस्ट सामने एक ऐसा कस्टमर काउंटर लिखा दिखाई देगा, या फिर आप एक टोकन मशीन भी होती है, आप वहाँ से टोकन भी ले सकते हो। बट अगर फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कस्टमर काउंटर पर जाके वहाँ से जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ का एक टोकन ले लें। मेरे पास टिकट था, आपको सिंपली यहाँ पे वो टोकन लगा देना है, आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद आपको जो है आपका लास्ट डेस्टिनेशन देखना है कि आपको कहाँ पे जाना है। ऊपर की ओर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, उधर की ओर आपको चढ़ जाना है। याद रहे, दूसरी जगह नहीं चढ़ना, वरना आप अपोजिट साइड चले जाओगे। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप किसी से पूछ भी सकते हो, सारे लोग यहाँ पे हेल्प कर देंगे आपकी, किसी भी पुलिस वाले से, फौजी, किसी से भी पूछ सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर छतरपुर का मंदिर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे हम अभी थोड़ी देर पहले घूम के आए थे। बहुत ही अच्छा मंदिर है, उसकी वीडियो अभी मैंने कमेंट सेक्शन में दी हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। बाकी आप ये दिल्ली का ट्रैफिक देख सकते हो, अगर आप कार से ड्राइव करके आते हो तो भाई बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद हम जो है मेट्रो के ऊपर आ जाते हैं। मेट्रो जस्ट आने वाली है, मेट्रो आई गई थी, तो आप मेट्रो देख सकते हो। इस प्रकार की यहाँ पे मेट्रो होती है दिल्ली मेट्रो, येलो लाइन पे रैपिड मेट्रो। आपको मैं किसी वीडियो पर दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। तो हम अंदर एंट्री करते हैं, अंदर से कुछ इस प्रकार की ये मेट्रो दिखाई देती है। आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी यहाँ पे बैठने को मिलता है। उसके बाद हम मेट्रो से उतर जाते हैं, क्योंकि मेट्रो में कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम ज़्यादा देर वीडियो नहीं बना पाए। एंड मैं आपको मेट्रो स्टेशन अच्छे से दिखा देता हूँ। आप ये देख पा रहे हो इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन होता है। येलो लाइन सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है एंड सबसे अच्छा जो मेट्रो स्टेशन है वो है हौजघास। और इसका जो टोकन होता है वो 60 रुपये का होता है मैक्सिमम। 60 रुपये में आप कोई से भी मेट्रो स्टेशन से कहीं भी जा सकते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप छोटी मतलब थोड़ा कम जगह पर जाते हो, थोड़ा जैसे कम दूरी पर जा रहे हो, तो आपको जो आपको मिनिमम टोकन है वो 10 रुपये का होता है। एंड हमारी जो ट्रैवलिंग है वो हो चुकी थी, हम छतरपुर गए थे अर्जनगढ़ से, तो हमारा 30-30 रुपये का आई थिंक टोकन लगा था। तो अभी हमारी जो ट्रैवलिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आपको सेम टोकन आपका वहीं से उसी प्रकार जैसे एंट्री करते उसी प्रकार आपको एग्जिट करना। एग्जिट करने के बाद हम एग्जिट कर जाते हैं मेट्रो से एंड नीचे आपको सिंपली इसी तरह से उतर जाना है। आपको दो एग्जिट गेट दिखाई देते हैं, जिस एग्जिट गेट की तरफ आपको जाना है उस एग्जिट गेट की तरफ आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए, आपने अब तक बहुत ही मेरे को अच्छा सपोर्ट किया है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय श्री राम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी किसी अच्छे व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय।